क्या द्वारा किया है दिल्ली के लोगों ने? दिल्ली के लोगों का ये गुनाह है कि देश के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा टैक्स जमा करते हैं। 1,30,000 करोड़ रुपया दिल्ली के लोग टैक्स के रूप में देते हैं, और वो टैक्स केवल नई दिल्ली वाले नहीं देते, वो टैक्स पुरानी वाले भी देते हैं, वो टैक्स करेना वाले भी देते हैं, वो टैक्स कमाना वाले भी देते हैं, वो टैक्स लूटना वाले भी देते हैं, वो टैक्स विकासपुरी के लोग भी देते हैं, वो टैक्स प्रतापगढ़ के भी लोग देते हैं, वो टैक्स बैरौनी के भी लोग देते हैं, वो बादली के भी लोग देते हैं, पुरानी के भी लोग देते हैं, बाबरपुर के भी लोग देते हैं, बदरपुर के भी लोग देते हैं, पूरा दिल्ली टैक्स देता है। कहते हैं यहाँ पर तो दुनिया के देशों का दूतावास है, तो बुराड़ी में भी एक बना दो दूतावास, बदलपुर में भी बना दो, सीमापुरी में भी एक दूतावास बना दो, लक्ष्मीनगर में भी एक दूतावास बना दो, साथियों आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के विधानसभा के अंदर, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो दिल्ली से भी मोहब्बत करती है और उससे ज्यादा पूरे देश से मोहब्बत करती है, ऐसे लोगों की पार्टी है आम आदमी। हम देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं, और इसीलिए इस मादरे वतन की रक्षा के लिए सीमा पर जब सेना का जवान अपने जान की बाजी लगाता है, आप जानते हो इस देश के अंदर जब कोई सेना का जवान शहीद होता है, नेता उसके घर जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, टीवी में बाइक देते हैं, 3 दिन बाद उसके घर वालों को कोई पूछने नहीं जाता कि उस शहीद की मां कैसे जिंदा है, उसकी नन्नी नन्नी औलादों का क्या होगा। इस देश के अंदर इस मादरे वतन की हिफाजत के लिए कुर्बानी देने वालों को 4 लाख रुपया देती है इस देश की हुकूमत। आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है जो इस देश के लिए कुर्बानी देने वाले शहीदों के परिवार के सम्मान के लिए 1 करोड़ रुपया देती है, जिससे इस महाभारती की हिफाजत की जा सकती है।